तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों, वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर भाजपा प्रवक्ता ने की विवादित टिप्पणी, तो भाजपा प्रवक्ता निपुण शर्मा के खिलाफ देश के कई राज्यों में दर्ज हुई FIR। मोहम्मद साहब के खिलाफ बोलना इसको पड़ा भारी, अब खाएगी जेल की हवा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की ज्ञान व्यापी मस्जिद में जिस बाबा ने शिवलिंग को बताया था फब्बारा, अब हिंदू संगठनों ने उनका कर दिया बुरा हाल, कर दिया उनका ट्रांसफर, पदवी छीन लिया, घर वालों को भी दी जा रही है जान से मारने की धमकी, अंधभक्त बुरी तरह से सच्चाई से बौखलाए। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बीजेपी और RSS पर मुगलों को लेकर भड़के असुद्दीन ओवैसी, ओवैसी बोले आखिर मुगलों के ही पीछे क्यों पड़े हैं बीजेपी और RSS। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की ज्ञान व्यापी मस्जिद और मथुरा की इबादत गाहों का हक नहीं छोड़ेंगे मुसलमान, जमीते उलमाए हिंद ने पास किया प्रस्ताव, मोदी को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बेंगलोर में एक रैली के दौरान किसान नेता राकेश टिकैत पर अंधभक्तों ने फेंकी काली स्याही, बेंगलुरु में कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, पुलिस ने किया तुरंत ही जो है स्याही फेंकने वाले को गिरफ्तार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की सोनिया गांधी ने वादा नहीं निभाया, कांग्रेस में फिर लगती है इस्तीफों की झड़ी, कई नेता नाराज। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट बताएं कि आप किस जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करना, भाजपा प्रवक्ता निपुण शर्मा को पड़ा भारी, केस हुआ दर्ज, अब खाएगी जेल की हवा। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करना भाजपा प्रवक्ता को भारी पड़ गया और अब भाजपा प्रवक्ता के खिलाफ देश के कई राज्यों में FIR दर्ज हुई है, जिसके बाद अब उन्हें जेल की हवा खाना ही पड़ेगा। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी की दिल्ली की राष्ट्रीय प्रवक्ता निपुण शर्मा के खिलाफ मुंबई में टीवी शो के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी को लेकर मामला दर्ज किया गया है। भारतीय सुन्नी मुसलमानों के सुन्नी बरेलवी संगठन रजा अकेडमी की शिकायत के बाद ये कार्रवाई हुई है। शर्मा के खिलाफ मुंबई की पाई धोनी पुलिस स्टेशन क्षेत्र में IPC की धारा 295, 153 और 505V के तहत मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले निपुण शर्मा ने दावा किया कि उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकियां भी मिल रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि निपुण शर्मा ने टाइम्स नाउ पर पैगंबर मोहम्मद साहब पर बहुत ही विवादित टिप्पणी की थी, जिसे हम आपके लिए बता नहीं सकते। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ बोलना बीजेपी को भारी पड़ गया, अब इन्हें जेल तो जाना ही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ज्ञान व्यापी मस्जिद में शिवलिंग को फब्बारा बताने वाले बाबा का हिंदू संगठनों ने किया विरोध, पद से भी हटाया। जी दोस्तों आपको बता दें कि ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर सोमवार को होने वाली सुनवाई से पहले एक मामला सामने आया है। शिवलिंग को फब्बारा बताने वाले श्री काशी करबत मंदिर के महंत गणेश शंकर उपाध्याय ने पद से इस्तीफा दे दिया है। महंत ने कहा है कि उनके खिलाफ गलत इंटरव्यू चलाया गया, जिससे आहत होकर उन्होंने ये फैसला लिया है। अपने पद से इस्तीफा देने के बाद गणेश शंकर उपाध्याय ने महंत पद की जिम्मेदारी अपने छोटे भाई को सौंप दी है और बताया है कि वो कुरचक का शिकार हुए हैं, जिसके चलते वह इस पद से इस्तीफा दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि कुछ दिन पहले गणेश शंकर उपाध्याय ने एक टीवी चैनल को दिए बयान में कहा था कि ज्ञान व्यापी मस्जिद सर्वे में जो शिवलिंग जैसी आकृति मिली है वो शिवलिंग नहीं है बल्कि फब्बारा ही है। उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने बचपन से देखा है, सैकड़ों बार वहाँ हम गए हैं और हिंदू संगठन जो शिवलिंग का दावा कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। मैं तो बहुत बार मस्जिद में गया हूँ और बचपन से ही मैं मस्जिद में आता जाता रहता हूँ। वहीं आपको बता दें कि उनके इसी खुलासे के बाद हिंदू संगठन उन पर हावी हो गए और हिंदू संगठनों ने उन पर इतना दबाव बनाया कि आखिरकार उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुगलों को लेकर बीजेपी RSS पर भड़के असुद्दीन ओवैसी बोले आखिरकार मुगलों के ही पीछे क्यों पड़ी है बीजेपी और RSS। या दोस्तों आपको बता दें कि AIMM के मुखिया असुद्दीन ओवैसी ने भारतीय जनता पार्टी और RSS पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने मुगलों को निशाना बनाए जाने को लेकर भाजपा RSS पर पलटवार किया है। असुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि भारत द्राविड़ और आदिवासियों का है, ना कि भाजपा और RSS का है, लेकिन भाजपा और RSS वाले सिर्फ मुगलों को निशाना बनाते हैं। भारत ना सिर्फ मेरा, न ठाकरे, न मोदी और न शाह का है। अगर भारत किसी का है तो वह द्राविड़ और आदिवासियों का है। उन्होंने कहा है कि आखिरकार मुगलों के पीछे ये क्यों पड़े हुए हैं। मुगलों ने भारत का इतना विकास किया, इतनी इमारतें बनाई, लेकिन आखिरकार फिर भी ये मुगलों के ही पीछे पड़े हुए हैं और RSS बीजेपी को मुगलों से ज्यादा ही नफरत है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ज्ञान व्यापी और मथुरा की इबादत गाहों का हक नहीं छोड़ेंगे मुसलमान, जमीते उलमाए हिंद ने प्रस्ताव किया पास, मोदी को झटका। जी दोस्तों आपको बता दें कि जामित उलमाए हिंद के दूसरे दिन के सम्मेलन में प्रस्ताव पास किया गया है कि मुस्लिम ज्ञान व्यापी मस्जिद और मथुरा की ईदगाह का दावा नहीं छोड़ेंगे।
दरअसल दूसरे दिन की वर्किंग कमेटी की बैठक में ये महत्वपूर्ण प्रस्ताव हाफिज उबैद उल्ला ने पेश किया। वहीं इसका समर्थन दारुल उलूम के नायब मोहतमिम मुफ्ती राशिद आजमी समेत सम्मेलन में शामिल लोगों ने किया। इस प्रस्ताव में प्राचीन इबादत गाहों को लेकर बार बार विवाद खड़े किए जा रहे हैं। ऐसा होने से देश का अमन खतरे में डाल ऐसी ताकतों का समर्थन किया जा रहा है जो मुल्क के लोगों के लिए और मुल्क की अखंडता को नुकसान पहुंचाएगा। वहीं आपको बता दें कि ये प्रस्ताव पास हो गया है जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यानी अब मुसलमान ज्ञानव्यापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे और इसकी लड़ाई लड़ेंगे और भाजपा की मुश्किलें एक बार फिर से मुस्लिम संगठनों ने बढ़ा दी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसान नेता राकेश टिकैत पर फेंकी गई बेंगलोर में स्याही। एक व्यक्ति ने बेंगलोर में राकेश टिकैत पर जड़ दिए थप्पड़ बना तनाव। जहाँ दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की किसान नेता राकेश टिकैत पर स्याही बेंगलुरु में फेंकी गई है। वो बेंगलुरु के गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पुलिस ने स्याही फेंकने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक गांधी भवन में किसान नेता राकेश टिकैत और युद्धवीर सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इसी बीच एक शख्स ने उन पर काली स्याही फेंक दी। दोनों किसान नेता एक लोकल चैनल के स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो पर सफाई देने आए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच वहां मौजूद लोगों के बीच बहस शुरू हो गई। एक शख्स ने किसान नेताओं पर स्याही फेंक दी और वहां कुर्सियां फेंकना शुरू कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस हाल में हड़दंग मचाने वाले और राकेश टिकैत के साथ बदसलूकी करने वाले कुछ लोगों को वहां पर मौजूद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राकेश टिकैत का किस तरह से विरोध बेंगलोर में किया गया है और भाजपाइयों ने राकेश टिकैत पर स्याही फेंक दी। ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान बोले, मोदी ने मुस्लिम परिवारों को बचाया, मुगलों ने अपने बाप को तक नहीं दिया पानी। जब दोस्तों आपको बता दें कि केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने एक निजी चैनल के इंटरव्यू में तीन तलाक के मुद्दे पर कहा कि नरेंद्र मोदी ने 13वीं सदी से जारी कुप्रथा को खत्म किया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि तीन तलाक कानून से देश के मुस्लिम महिलाओं और बच्चों की स्थिति सुधरी है। इसके साथ ही तीन तलाक कानून के बाद से तलाक की दर कम हुई है। आरिफ मोहम्मद ने इंडिया टीवी संवाद मंच पर कहा कि मोदी सरकार द्वारा लाए गए तीन तलाक कानून से 90% तलाक के मामलों में कमी आई। इससे मुस्लिम परिवारों को बचाया गया। तलाक के बाद बच्चों की जो स्थिति होती थी उनका भविष्य बचा है। तीन तलाक का मामला सिर्फ मुस्लिम महिलाओं तक सीमित नहीं था। आरिफ मोहम्मद ने कहा कि मोदी ने समाज सुधारक जैसा काम किया है। उन्होंने मुगलों पर निशाना साधते हुए कहा है कि मुगलों ने अपने बाप को तक पानी नहीं दिया, लेकिन मोदी ने मुसलमान परिवारों को बचाया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो ये आपको बताएं दोस्तों कि आरएसएस और बीजेपी के आरिफ मोहम्मद खान दलाल बन गए हैं और ये चाहते हैं कि बीजेपी उन्हें राष्ट्रपति इस बार बना दे, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा। ये कितनी भी बीजेपी और आरएसएस की दलाली करे, कितना भी मुसलमानों के खिलाफ मुसलमान होकर बोले, लेकिन बीजेपी इनको राष्ट्रपति नहीं बनाने वाली। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सोनिया गांधी ने वादा नहीं निभाया, कांग्रेस में फिर लग सकती है इस्तीफों की झड़ी, कई नेता नाराज। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से रविवार को राज्यसभा के लिए 10 प्रत्याशियों की सूची आने के बाद कई कांग्रेस नेता अपनी पार्टी अकाल मान से खफा नजर आ रहे हैं। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने तो रात के 11 बजे ट्वीट करते हुए अपनी पीड़ा व्यक्त की है। वहीं नगमा मुरारजी ने भी बताया है कि 18 वर्ष हो गए उन्हें राज्यसभा टिकट की उम्मीद लगाई, लेकिन आज तक टिकट नहीं मिला। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने अपने ट्वीट में केवल इतनी ही बात लिखी, शायद मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई। इस ट्वीट में तपस्या से उनका मतलब राज्यसभा सीट के लिए की गई मेहनत का है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब कई बड़े नेता जो है इस्तीफा कांग्रेस पार्टी से दे सकते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईरान में पार्टनर को धोखा देने वाले 51 लोगों को मौत की सजा। यह दोस्तों आपको बता दें कि ईरान में मानव अधिकारों के हनन से जुड़े गुप्त दस्तावेजों के लीक होने के बाद चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। ईरान में अपने पार्टनर को शादी में धोखा देने के मामले में शरिया कानून के तहत 51 लोगों की मौत की सजा सुनाई गई है। इन लोगों को पत्थर से मार मार कर मौत दी जाएगी। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक कुल 23 महिलाओं और 28 पुरुषों को ये भयानक सजा दी जा रही है। इनमें से कई तो ऐसे हैं जिनकी उम्र 20 से 30 साल के बीच है। दरअसल आपको बता दें कि ईरान एक इस्लामिक देश है। यहाँ शरिया कानून के तहत अपराध की सजा दी जाती है। इस्लामी न्यायाधीश व्यभिचार के प्रति शून्य सहनशीलता का रवैया अपनाते हैं। कुरान में व्यभिचारी को एक गंभीर पाप माना जाता है। कानून के मुताबिक जिन्हें सजा सुनाई जाएगी उन्हें पहले कपड़े में लपेट दिया जाएगा, फिर उनकी कमर तक रेत में दबा दिया जाएगा और फिर उनका कत्ल कर दिया जाएगा, उन्हें फांसी दे दी जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो शिवसेना नेता संजय रावत बोले, बीजेपी को सिर्फ एक धर्म का बलिदान आता है नजर, क्वाड समिट में पीएम मोदी की तस्वीर पर भी कसा तंज।
जय दोस्तों, आपको बता दें कि क्वाइट सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की एक तस्वीर आज भी चर्चा का विषय बनी हुई है। इस तस्वीर में वह अन्य देशों के शीर्ष नेताओं की अगुवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। इसे बदलते और आगे बढ़ते भारत की तस्वीर के साथ साझा किया जा रहा है, लेकिन इसी तस्वीर को लेकर शिवसेना ने सरकार पर हमला बोला है। शिवसेना ने मुखपत्र सामना में सांसद संजय रावत ने अपने संपादकीय में जापान क्वाइट बैठक में मशहूर हुई उनकी तस्वीर को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री अन्य देशों के प्रधानमंत्रियों से आगे हैं, लेकिन सभी देशों के मुकाबले हमारे भारत देश में बेरोजगारी भी सबसे अधिक है। वहीं हाल ही में कश्मीर में हुई पुलिस कांस्टेबल की हत्या का जिक्र करते हुए रावत ने कहा है कि भाजपा को केवल एक समुदाय एक धर्म का ही बलिदान दिखाई देता है, ये राष्ट्रीय एकता का लक्षण नहीं है। उन्होंने कहा है कि देश के लिए बलिदान देने वाले हिंदू का जितना सम्मान होता है उतना ही सम्मान इस देश के लिए कुर्बानी देने वाले मुसलमान का भी होना चाहिए। ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, ये बड़ी बातें उन्होंने कही।